जनसुराज पदयात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप जिस विषय के ऊपर वोट करते हैं वो आपको देर ही सही मगर मिलता जरूर है। देखिए, लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव दसवीं पास नहीं है और उसको सीएम बनना है, इसकी चिंता लालू को है। और वही एमए करके आपका लड़का चपरासी नहीं बन पा रहा है, घर में बैठा हुआ है और आपको इसकी चिंता नहीं है। आप जाति का झंडा उठाए हैं, आपको धर्म की चिंता है, आपको यहां से पाकिस्तान दिख रहा है मगर आपको अपनी बच्चों की गरीबी बेरोजगारी और लाचारी नहीं दिख रही है। आपने बोया बबूल है तो आम कहां से खाएंगे, प्रशांत किशोर ने आरोप गठित करते हुए लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया, आपने वोट दिया जात के नाम पर, तो आपकी दशा चाहे जो भी हो, आपके जात का नेता बढ़िया स्कॉर्पियो पर हेलीकॉप्टर पर बढ़िया कुर्ता पजामा पहनकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? आपने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, आपके यहाँ स्कूल हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली लाने के लिए, तो इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए कि 4000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1200 हो कि 1400, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपका और आपके बच्चों का चेहरा चाहे मुरझाया है, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी में अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री चल रही है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे कि नहीं कर रहे? तो आपने किस बात पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिला? ये आप काहे के लिए गाना गा रहे हैं, क्यों गाना गा रहे हैं कि हम वोट दिए हैं हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है? अरे आपने पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिया, आपने रोजी रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? यही बताने आपको आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो उससे भी अच्छा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आपको गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर यही समझा रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखिए, हमने बहुत नेताओं के साथ काम किया है, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? देखिए, लालू जी का लड़का दसवां नहीं पास है लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनना है। हम कहते हैं तो बहुत लोग समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, हम लालू जी की शिकायत नहीं कर रहे। लालू जी का लड़का दसवां नहीं पास है और उसको मुख्यमंत्री बनना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। गलती इसमें नहीं है कि लालू जी अपने दसवां नहीं पास लड़के को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गलती इस बात में है कि आपका लड़का दसवां कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है लेकिन आपको उसका चिंता ही नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए हैं, आपको धर्म चाहिए, आपको यहां से पाकिस्तान दिख रहा है लेकिन आपको अपने बच्चे की बेरोजगारी नहीं दिख रही है, आपको अपने घर की बदहाली नहीं दिख रही है, आपको मंदिर दिख रहा है, आपको जात दिख रहा है, तो कैसे सुधरेगा? नहीं सुधर सकता है। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।